अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी समूह के अध्यक्ष, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य पर राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर 2029 करोड़ रुपए, 265 मिलियन अमरीकी डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया, जिसके बाद गौतम अडानी के लिए मुश्किलें बढ़ गयी। कथित तौर पर रिश्वत 2020 और 2024 के बीच दी गयी थी। अमेरिकी अभियोजकों ने दावा किया कि यह तथ्य अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया था, जिनसे अडानी समूह ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। अडानी समूह को ऊर्जा अनुबंध हासिल करके 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का मुनाफा कमाने की उम्मीद थी। हालांकि रिश्वत के आरोप भारतीय अधिकारियों से जुड़े हैं, लेकिन अमेरिकी कानून उसे अमेरिकी निवेशकों या बाजारों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। हालांकि अडानी समूह ने आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि वह कानूनी कार्रवाई करेगा। अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ अमेरिका में भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि अभियोजक उन वारंटों को विदेशी कानून प्रवर्तन को सौंपने की योजना बना रहे हैं। ये आरोप अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के एक साल बाद सामने आए हैं, जिसमें अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। लेकिन गौतम अडानी पर किस मामले में आरोप लगाया गया है, हम आपके लिए मामले की पेचीदगियों को उजागर करते हैं। अमेरिकी अभियोग के अनुसार गौतम अडानी को एक भारतीय ऊर्जा कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में उल्लेख किया गया है, जो विवाद का केंद्र है। सागर अडानी को ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक के रूप में उल्लेख किया गया है। रंजीत गुप्ता, जो एज्योर पावर के सीईओ थे, और रूपेश अग्रवाल, जो एज्योर पावर के सलाहकार और सीईओ थे, को यूएस जारीकर्ता के लिए काम करने वाले के रूप में उल्लेख किया गया है। अमेरिकी अभियोक्ताओं ने कहा कि भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी जारीकर्ता ने सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय सौर ऊर्जा निगम ACCI को 12 गीगावाट सौर ऊर्जा प्रदान करने का अनुबंध प्राप्त किया। हालांकि ACCI को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाए। खरीदारों के बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता था और दोनों कंपनियों को अपेक्षित लाभ खोने का जोखिम था। तभी अडानी समूह और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई। बदले में सरकारी अधिकारी राज्य बिजली वितरण कंपनियों को ACCI के साथ बिजली आपूर्ति समझौते करने के लिए राजी करेंगे। उन्होंने लगभग 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया। इसके बाद कुछ राज्य बिजली कंपनियों ने दोनों कंपनियों से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए ACCI के साथ समझौता किया। अभियोग में कहा गया है, भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी जारीकर्ता ने रिश्वत के भुगतान को विभाजित करने के लिए मिलकर काम किया। अमेरिकी अभियोक्ताओं ने आगे कहा कि अपनी संलिप्तता को छिपाने के लिए साजिशकर्ताओं ने कोड नामों का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए गौतम अडानी को न्यूमेरो उनो या द बिग मैन कहा जाता था। संचार एनक्रिप्टेड मैसेजिंग के माध्यम से होता था। हालांकि यूएस जारीकर्ता में नेतृत्व परिवर्तन के कारण बदलाव हुए। रंजीत गुप्ता ने 2019 से 2022 तक एज्योर पावर के सीईओ के रूप में कार्य किया। 2022 से 2023 से रूपेश अग्रवाल ने कार्यभार संभाला। परियोजना में शामिल कुछ अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वादे किए गए रिश्वत का भुगतान कैसे किया जाए, इस पर विचार करने के लिए बैठकें आयोजित की गयी। विकल्पों में परियोजना के कुछ हिस्सों को स्थानांतरित करना या भुगतान को शुल्क के रूप में छिपाना शामिल था। अभियोग में कहा गया है, षड्यंत्रकारियों ने अपनी योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया, जिसमें रिश्वत दायित्वों को निपटाने के तरीके के रूप में परियोजना के कुछ हिस्से को भारतीय ऊर्जा कंपनी को वापस स्थानांतरित करना शामिल था। प्रतिवादियों ने परियोजनाओं को वापस करने के लिए झूठे कारण बताए, दावा किया कि मुकदमेबाजी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था इसके कारण थे। हालांकि अडानी समूह ने यूएस जारीकर्ता के निदेशक मंडल से यह छिपाया कि उन्होंने पहले ही बिजली खरीद समझौतों PPA के एक और सेट को सुरक्षित करने के बदले में रिश्वत का वादा किया था। अभियोग में कहा गया कि गौतम अडानी कथित रूप से पुनराबंटन का निर्देश दे रहे थे और हस्तांतरण को मंजूरी देने के ACCI के निर्णय को प्रभावित करने में उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता थी।